एकदम कंफर्म हो गया कि मनीष कश्यप को बीजेपी अगले चुनाव में टिकट देगी और तो और मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री भी बनाएगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, मैं आपको सबूत के साथ वो चीज दिखाऊंगा जो ये साबित कर देगी कि मनीष कश्यप को बीजेपी से टिकट मिलेगा और मनीष कश्यप विधायक बनेंगे और साथ ही साथ मनीष कश्यप बिहार के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। फिर मैं आपको तेजस्वी यादव का एक ऐसा स्पीच सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद जो भी लोग ये सोचते हैं कि तेजस्वी यादव जी नौवीं फेल है, अनपढ़ है, गवार है, क्या नहीं बोलते हैं, उनका दिमाग वो वीडियो देख के और सुन के ना एकदम सन्न हो जाएगा। वो वीडियो भी दिखाएंगे और तेजस्वी यादव को खरी खोटी सुनाने वाले उस मजदूर से भी आपको मिलाऊंगा जो मजदूर भाई लोग दिल्ली में रहते हैं और तेजस्वी यादव को गाली दे दिए हैं। चलिए तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जान लीजिए मेरा नाम है शौर्य, आप देख रहे हैं द सब्सक्रिप्शन। वीडियो को लाइक कमेंट बॉक्स में, मनीष कश्यप जिंदाबाद वीडियो को शेयर, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो मार लीजिएगा। चलिए दोस्तों आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये वीडियो क्लिप, जिस वीडियो क्लिप के जरिए ये साबित होता है कि मनीष कश्यप को बीजेपी टिकट देगी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के सारे लोग मनीष कश्यप को समर्थन दे रहे हैं, लगता है कि मनीष कश्यप ही अगला चुनाव का एजेंडा होगा बीजेपी वालों का। पहले वीडियो क्लिप देखिए फिर बात करते हैं दोस्तों। सच को उजागर करोगे तो मनीष कश्यप के तरह तुमको भी जेल जाना पड़ेगा। सुन लिए, ये थे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, आपको पता है कि ये कौन है और इन्होंने एक बार नहीं बल्कि कितनी बार मनीष कश्यप का समर्थन किया है। और सिर्फ ये ही नहीं बल्कि बीजेपी के कितने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने भी, जैसे मनोज तिवारी, बहुत सारे लोग हैं, कितनों का नाम दूं, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बीजेपी के लोगों ने मनीष कश्यप का समर्थन किया है। वीडियो क्लिप जोड़ना चाहूं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, वैसे मेरे चैनल पर सारा वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से लगता है कि बीजेपी को समझ में आ रहा है बीजेपी को कि मनीष कश्यप ही अगला जो है एजेंडा बनेगा, अगर मनीष कश्यप को खड़ा कर दिया जाए चुनाव में तो नीतीश जी और तेजस्वी जी को जाना पड़ेगा गद्दी छोड़ के, क्योंकि मनीष कश्यप जो है, पता है ना आप लोग तो बात बोल ही रहे हैं, अब की बार किसकी सरकार, मोदी सरकार नहीं, अब की बार बिहार में मनीष कश्यप की सरकार। आते हैं दूसरे वीडियो क्लिप पर। आपको पहले बता दूं कि अंत में मैं तेजस्वी यादव जी का एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा और मनीष कश्यप का भी जिसको देखकर आपका दिमाग एकदम सन्न हो जाएगा, तो वो जरूर देख कर जाइएगा, अभी मत भाग जाइएगा प्लीज, ठीक है। अभी देखते हैं तेजस्वी यादव को गाली देने वाले मजदूर भाई को, ऐसे फ्रस्ट्रेशन था उनका तो बक दिए। देखते हैं पहले वीडियो क्लिप फिर चर्चा करते हैं दोस्त। पेट के कारण से ही लोग मर रहे हैं। आज हमारे यहाँ से हमारी उम्र 30 साल हो गई, 30 साल से हम सुन रहे हैं कि बिहार में कंपनी आएगी। कहाँ पे कंपनी आई? तो 9000 खा पी के पाएंगे सर, खा पी के यहाँ 9000 पाएंगे तो घर कितना भेजेंगे 7000-8000 सर, मैंने आप 2000 में किसी तरह से पेट काट के यहाँ चलाएंगे। हाँ, और 7-8 हज़ार भेजेंगे। हाँ, जिससे आपका परिवार चले। हाँ सर, ये सच्चाई है। आप लोग बिहार से आते हैं, बिहार में यह काम क्यों नहीं मिलता है? बिहार में इसलिए काम नहीं मिलता, जब इलेक्शन आता तो सरकार लोग वोट ले लेते हैं, वोट लेने के बाद बोलते हैं कि हम सभी लोग का बेरोजगार देंगे, बेरोजगार देने के बाद छटा देते हैं सरकार लोग। और वही अगर बिहार में सर कंपनी होता तो बिहार में ही कमाते खाते हम लोग, क्यों मतलब इतना दूर आने का हम लोग को जरूरत पड़ता। तो जब 8वें तक लोग पढ़ेंगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगा, भागेंगे ना, तो यह किसकी देन है तेजस्वी बाबू, यह समझाएंगे? और एक तरफ आप बिहार से बाहर के लोगों को ला के नौकरी दे रहे हैं और लोग यहाँ धक्का खा रहे हैं और आप कह रहे हैं हम नौकरी देते हैं और हम इस तरह से करते हैं। न जाने कितने मजदूर भाई लोग अभी बिहार से बाहर काम करते हैं और क्यों काम करते हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वीडियो क्लिप आप देख लिए हैं। और हो सकता है जितने भी हमारे भाई लोग वीडियो देख रहे हैं वो सभी भी गरीब हो, वो सभी लोग लेबर हो, और हो सकता है सभी अपने परिवार से दूर बिहार से बाहर दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं।
ये बदनसीबी है बिहार की। खैर, मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बनाइए, हो सकता है बिहार बदल जरूर जाएगा। चलिए आते हैं अब हम सबसे खास वीडियो क्लिप पर, जो है मैं बोलता नहीं, वीडियो क्लिप देखिए, बोल दू नहीं, पहले वीडियो क्लिप देखिए फिर बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल बिहार सरकार की तो नहीं है कि बिहार के लोगों को, बिहार को आगे ले जाने की, देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो ना, तो दे हैज टू शो सम कंसर्न। देखे ना, लोग बोलते हैं कि तेजस्वी यादव नो वी फेल अनपढ़ गवार। अरे भैया सुनिए कितना तेज तर्रार इंग्लिश देख ले, इंग्लिश। हाँ, समझ गए होंगे हम किसका डायलॉग मारे हैं। खैर, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, इंग्लिश देखे तेजस्वी यादव का। एक और चीज देखिएगा, एक और चीज देखिए पहले। You have not elected to decide that what is the human right. Because you can decide what is the human right. मतलब हमारे मनीष भैया भी कौनों से काम नहीं है, बोलते हैं का बोले। एक्चुअली आई थिंक बोथ आर सुपर। थोड़ा अंग्रेजी हमको भी आता है। अब बस आप समझ लीजिए, मुझे जो बताना था, मुझे बताना यह है कि मनीष कश्यप जल्द रिहा होने वाले हैं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन बताया नहीं जा रहा है क्योंकि बोला गया था ना छठ पूजा के बाद मनीष कश्यप की रिहाई हो जाएगी, तो खोला नहीं जा रहा है वो बात क्योंकि जो मनीष कश्यप का विरोधिया है ना, वो पूरा पीछे पड़ल है, बेल नहीं होने देना चाह रहा है, इसलिए न्यूज नहीं बनाया जा रहा है ताकि विरोधिया को पता ना चले। ऐसे मनीष कश्यप जल्द बाहर आने वाले हैं, सुन लीजिए खबर दे दी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का खबर बस इतना ही था, मुझे दीजिए इजाजत, आपका प्यार और समर्थन मिलते रहे इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। चलिए मिलते हैं फिर कल। जय श्री राम, हर हर महादेव। मनीष कश्यप जिंदाबाद, जय बिहार, जय हिंद।